नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम आए हैं बागपत हर्ष भाई के घर पे। इनके पास बहुत शानदार यूरोपियन डोबरमैन है। जैसे कि हमारी ऑडियंस की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि यूरोपियन डोबरमैन दिखाओ, डोबरमैन की वीडियो लेके आओ, तो आज आपकी वो डिमांड पूरी होने वाली है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जब ये वीडियो एंड हो रही होगी तो आप कहोगे हाँ भाई आज देखे हमने डोबरमैन, यूरोपियन डोबरमैन। भाई के पास बहुत अच्छी क्वालिटी में पफ्स भी अवेलेबल हैं, तो चलते हैं इनके घर में और दिखाते हैं आपको इनके शानदार यूरोपियन डोबरमैन। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा, अभी आपके साथ बहुत प्यारी यूरोपियन डोबरमैन है। जी हाँ। और बहुत आराम से आपके साथ बैठी है ये, बहुत फ्रेंडली होके। तो ये शौक़ कब से लगा डोबरमैन का आपको? भैया ये शौक़ तकरीबन काफ़ी दिन से है। वैसे तो घर में मौजूद मेरे बचपन से है कुत्ता जी, लेकिन डोबरमैन तो हमने लगभग 5 साल से रखा हुआ है। जी जी। एक फीमेल पहले आई थी, उसकी तब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, एज भी कम थी, उसकी पार्वो वायरस से डेथ हो गई थी। अच्छा। इधर सर्वाइव नहीं कर पाई वो, तो उसके बाद फिर क्रेज़ था एक तरीके से, बड़े भाई को भी डोबरमैन का क्रेज़ था। जी जी। मेरे को भी शौक हो गया, तो भैया बोले कि भाई एक और लेके आएंगे। जी जी। तो हम लोग उसके बाद से लेके आए थे, तब से ही बस शौक को थोड़ा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस के तौर पर। अच्छा। हाँ जी। ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। हाँ जी, ब्रीडिंग के। जी जी। अच्छा ये बताइए, इसका बॉडी बिल्ड, चेस्ट भी बाहर आ रही है। हाँ जी। मतलब प्योर जिसे कह सकते हैं यूरोपियन डोबरमैन। बिल्कुल भैया, ये गुर्जरियाज लाइन की है। अच्छा। जानते होंगे गुर्जरियाज मेरठ में। जी जी। विनुज डेलिया जी, उनकी लाइन के हमारे पास फीमेल्स हैं। जी जी। वो हमारी फीमेल उन्हीं की लाइन की है जी, मेट भी उन्हीं के वहीं होती है। जी जी। जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो भी गुर्जरियाज लाइन के ही होते हैं। क्वालिटी देखते ही समझ में आएगी, फीमेल अच्छी है। जी जी। शांत नेचर है, आप देखिएगा वीडियो में भी कितने शांति से बैठी है। थोड़ा डोबरमैन ब्रीड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भैया देखिए, जहाँ तक मैंने जाना है डोबरमैन को, ये इसका इन्वेंशन कार्लोइस डोबरमैन ने किया था। हाँ जी। जर्मनी से वो रिलेट करते थे। जी जी। और वो अपनी एक तरीके से वसूली का काम करते थे। जी जी। तो वो अपनी प्रोटेक्शन के तौर पे उन्होंने 5-6 कुत्तों के मिक्स से शायद डोबरमैन को इन्वेंशन किया था। जी जी। रॉटवाइलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, और भी 2-3 ब्रीड थी, मेरे ध्यान नहीं है ज़्यादा। जी जी। तो उन्होंने उनको 5-6 कुत्ते ऐसे देखे जिनके अंदर स्टेमिना काफ़ी हो, हाई लेवल का, और जो मतलब काफ़ी भाग दौड़ कर लेते हो, प्रोटेक्शन अच्छा कर लेते हो, तो 5-6 उसके मिक्स से उन्होंने डोबरमैन का इन्वेंशन किया था। जी जी जी। जहाँ तक मैंने पढ़ी है बात, मैंने जाना है जी, ये है। अच्छा, आपको कैसे पसंद आ गया डोबरमैन? देखिए एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर, आप बॉडी स्ट्रक्चर ही देख लीजिएगा। जी जी जी। कितना शानदार लगता है, मतलब बस अलग ही लेवल का होता है जी। तो डोबरमैन की बात देखिए, मैंने जर्मन शेफर्ड भी रखा है, मैंने एक रॉटवेलर भी रखा है, लेकिन जो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, प्लस पॉइंट ये है बीमारी का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जी, मेरे यहाँ जितने भी कुत्ते हैं भैया, उनकी वैक्सीनेशन पे, उनकी खाने पीने के अलावा मैं उनके ऊपर कोई बीमारी पे खर्च नहीं करता। मेरा मेडिकल एक्सपेंस नहीं है कुत्तों के ऊपर, खासकर डोबरमैन के। जी। बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है गर्मी के अंदर भी और सर्दी के अंदर भी। जी जी। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपके पास ये 2 फीमेल हैं। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ आपके पास बच्चे भी अवेलेबल हैं। हाँ जी, बच्चे अवेलेबल हैं। तो ये इन्हीं के लीटर हैं? हाँ जी। ये बच्चे केसीआई हैं? हाँ जी, केसीआई रजिस्टर्ड बच्चे हैं। अच्छा। गुर्जरियाज लाइन के बच्चे हैं। जी जी। क्योंकि फीमेल्स भी वहीं से है और मेट भी वहीं होती हैं। अच्छा, विनुज भैया के मेल से। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जैसे डोबरमैन कहते हैं कि एक मिथ है कि बहुत एग्रेसिव ब्रीड है, घर के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, आपको कितना टाइम हो गया इसमें? मेरे को लगभग 5 साल के करीब डोबरमैन रखते हो गए। तो क्या एक्सपीरियंस है? आप भी घर में रख रहे हैं? एक्सपीरियंस इतना शानदार है भैया, मैंने तो देखिए, मैं तो इसको झुटलाता हूँ बात को, ये बात सच नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी। डोबरमैन काफी अच्छे नेचर का है, आप तो अभी अभी आए हैं। जी जी। आपके साथ भी फ्रेंडली है। जी जी, बिल्कुल। हमारे घर पे 24 घंटे में काफी टाइम बच्चे मौजूद रहते हैं, खेलते रहते हैं हमेशा। जी। उनके साथ हमेशा खेलती हैं, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि भाई किसी के ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने। जी जी। तो बिल्कुल, मतलब हमारी तरीके से फ्रेंडली नेचर है इनका, हमारी तरफ से तो। जी जी। कोई ये फीमेल मैं एडल्ट ही लेके आया था, देख रहे हैं आप, फ्रेंडली है, अपने साथ भी पूरी, बच्चों के साथ पूरी फ्रेंडली है।
तो किन लोगों को रिकमेंड करते हो डोबरमैन अगर किसी को चाहिए, एक लीन डॉग चाहिए? हाँ जी, और ये यूरोपियन डोबरमैन तो थोड़ा मस्कुलर भी होता है। हाँ जी, मस्कुलर होता है। मैं बोल सकता हूँ अमेरिकन से डबल है इसका साइज। बिल्कुल डबल है जी, जी। आप खुद देखिएगा वीडियो में। मुंह ब्रॉड है और इसके जो पैचेस हैं, पैचेस के ऊपर जो डार्कनेस होगी वो अलग ही लेवल की होगी। चेस्ट देखिएगा आप कितनी ब्रॉड सी होगी एक तरीके से। फेस देखिएगा, मस्कुलरिटी अलग ही दिखेगी आपको यूरोपियन डोबरमैन के अंदर। तो किन लोगों को आप रिकमेंड करोगे डोबरमैन ले? देखिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी बंदे के पास कम स्पेस है जी जी। तो वो मेरे हिसाब से अगर टाइम भी कम है तो वो बिल्कुल ना ले, क्योंकि डोबरमैन सभी को पता है हाई एनर्जेटिक डॉग होता है, वर्किंग लाइन होती है, खासकर यूरोपियन जी जी जी। तो जिस बंदे के पास स्पेस होगा और टाइम होगा वो ही डोबरमैन ले, अदरवाइज कोई डोबरमैन ना ले। ये तब एग्रेसिव होता है। और आपके पास स्पेस है ये फ्री रह सकता है, अगर आप अलग से भी ना खिला पाओ तो इसको खोल के छोड़ दे, खूब दौड़े। अभी देख रहे हैं आप वो फीमेल दूसरी जो है वो अपना खूब घूमती फिरती है, फ्री रहती है वो। तो अगर ये फ्री रहेगा कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये ब्रीड का ओरिजिन यूरोप का ही है, जर्मनी का। हाँ जी, लेकिन एक अमेरिकन डोबरमैन भी है। हाँ जी, दो होते हैं, एक हमारा यूरोपियन आज हमारे सामने है और एक अमेरिकन डोबरमैन भी। बिल्कुल भैया, साइज का भी डिफरेंस है, थोड़ा सा नेचर का भी डिफरेंस आता है। ये ब्रीड जो यूरोपियन डोबरमैन है ये जब तक यूरोप में रही तब तक ये बिल्कुल फिट थी। इसको अमेरिका वालों ने मिक्स करा दिया तो उसका थोड़ा साइज में भी छोटा आ गया वो, उसका नेचर के अंदर टेम्परामेंट उसका थोड़ा कूल हुआ है। तो बहुत से फर्क हैं। जो अमेरिकन डोबरमैन होता है वो अधिकतर मैंने देखा वो शो के लिए अच्छा है। यूरोपियन डोबरमैन का थोड़ा टेम्परामेंट भी नहीं माना जाता कि भाई शो में हम लोग इसको ले जा सके। अगर यूरोपियन हमारे पास मौजूद है तो ये खुद में ही एक बड़ी चीज़ है कि भाई हाँ हमारे पास यूरोपियन है, हमें शो करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ जी, देखो इंडिया लेवल पे ये जो ब्रीड है इसकी डिमांड हमेशा रहती है। बिल्कुल भैया, और ये फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय में भी नहीं हो पाएगी फुलफिल। तो आपका मोटिव क्या है इसमें? मेरा मोटिव है जी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम अपना 100% दें। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा भी नाम आए डोबरमैन में, कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम लोग प्योरिटी देंगे, यही हमारा मोटिव है। डोबरमैन की फीडिंग में क्या दे रहे हैं आप? वही भैया, नेचुरली तो देखिए इनके लिए डॉग फूड जो आते हैं, फूड भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं प्रोटीन कैल्शियम वगैरह सब कुछ उसके अंदर होता है। फिर भी हम लोग इसको बॉयल्ड एग्स रेगुलरली, चिकन, बॉयल चिकन हो गया, इनका फीड आ जाते हैं, रॉयल कैनिन वगैरह स्टार्टर, और भाई इनके हर बार एक इनका फीड बदल देते हैं हम लोग टेस्ट के हिसाब से। लगभग ये भी बोर ही हो जाते हैं भैया एक फीड खा के बार बार। बिल्कुल सही। तो कभी इनको पेडिग्री दे दिया जाता है, कभी कोई और फीड दे दिया जाता है, कभी ड्रूल्स दे दिया जाता है, और इनके देखिए सप्लीमेंट्स भी मैं प्रॉपरली इनको देता हूँ। पूरा एक तरीके से बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये बताओ जैसे डोबरमैन में 5 साल हो गए। हाँ जी, पहले अमेरिकन थी। बिल्कुल भैया, अब आज यूरोपियन है। हाँ, वो दो दो फीमेल हैं। फीमेल्स तो 5 है अपने पास अवेलेबल। जी जी, पर जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग सारियों को तभी शो करेंगे। और ये जो अभी आपके पास फीमेल हैं दो, हाँ जी, इनके बैकग्राउंड, इनकी ब्लड लाइन के बारे में बताओ। देखिए इनकी ब्लड लाइन वही गुर्जरियाज लाइन से रिलेट करती है। मैं ब्लड लाइन देखिए ज्यादा डीपली उस लाइन में घुसा नहीं हूँ। अच्छा, तो जो बड़े भैया हैं वो खुद उस चीज को देख लेते हैं। जी जी, बाकी लाइन का पता है विनुज भैया की लाइन है, गुर्जरियाज लाइन मेरठ से। हमारे दर्शकों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी यूरोपियन डोबरमैन, यूरोपियन डोबरमैन। आज मैं मानता हूँ उनकी वो डिमांड पूरी हो रही है। हमारे पास बहुत सुंदर फीमेल हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं अभी जी, अवेलेबल तो है बच्चे भी। अगर किसी को यूरोपियन डोबरमैन भारत के किसी भी कोने में चाहिए तो आप प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी, डिलीवरी अवेलेबल रहेगी जी, इंडिया में कहीं भी आप लोग डिलीवरी के लिए पॉसिबल रहेगा, हम कर देंगे। और प्योरिटी क्या गारंटी रहेगी? प्योरिटी देखिए विद केसीआई बच्चे जाएंगे, जहाँ भी बच्चा जाएगा वो कस्टमर खुद ही बताएगा खुश होके कि हाँ अच्छा डॉग दिया है, बहुत अच्छा जी। ये जो मेल है यूरोपियन डोबरमैन पुछ, ये हमारे बच्चों का फादर है जो हमारे पास अभी करंट में लिटर अवेलेबल है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में हर्ष भाई, जिन्होंने हमें अपने शानदार यूरोपियन डोबरमैन दिखाए। मैं आशा करता हूँ आपको इनके यूरोपियन डोबरमैन पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।